हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मेरे चैनल को स्वागत है। और आज लाई हूँ मैं एक क्लीनिंग ब्लॉक, जो कि मैं अपने घर में कैसे क्लीनिंग करती हूँ मॉर्निंग में। तो यहाँ पर एकदम मंदिर के सामने में थोड़ा सा जो थोड़ा सामान सब फैला हुआ था, तो वो मैंने कहा चलो साफ़ कर देती हूँ। तो कुछ ये वो प्रसाद होता है ना मंदिर का, जो दिवाली के बाद था, तो वो था, तो वो भी सामान वगैरह था वो था, तो मैं इकट्ठा कर रही थी ये। तो मैंने कहा चलो एक छोटा सा एक आपके लिए छोटा सा वीडियो बनाया जाए, तो क्लीनिंग का। तो फिर मैं दिखाऊंगी आपको किचन की क्लीनिंग। तो आई होप आपको अच्छा लगेगा ये मेरा ब्लॉग, क्लीनिंग ब्लॉग। और चलते हैं किचन की तरफ। और यहाँ पे कर रही हूँ पहले गैस की मैं सफाई, क्योंकि ये एकदम मॉर्निंग का टाइम है, तो पहले मैं सबसे पहले करती हूँ गैस की सफाई अच्छे से, क्योंकि है ना मेरी गैस ज़मीन पे रखी है, तो आप को पता ही होगा कि ज़मीन पे कीड़े वगैरह निकल जाते हैं रात को, तो वो गैस वगैरह पे चढ़ते हैं। तो पहले मैं गैस के अच्छे से क्लीनिंग करती हूँ, सफाई करती हूँ, पोंछती हूँ गीले कपड़े से। तो उसके बाद ही खाना वगैरह बनाऊँगी, स्टार्ट करूँगी और कोई काम। तो क्लीनिंग वगैरह करके अच्छे से सारा सामान पोंछ लूँगी गैस के जो आजू बाजू का, उसको भी देखिए डिब्बे वगैरह को भी मैं ऐसे ही साफ़ कर लेती हूँ। तो उसके बाद लगाऊँगी मैं झाड़ू, क्योंकि झाड़ू देना बहुत ज़रूरी होता है सुबह सुबह। तो मुझे पता है आप भी झाड़ू लगाते होंगे मॉर्निंग में सुबह। तो सबसे पहले गैस को मैं साफ़ करके फिर झाड़ू वगैरह लगाती हूँ, फिर उसके बाद पोछा वगैरह लगाऊंगी। तो बस ये मैं किचन का ही बना रही थी छोटा सा वीडियो। तो बताना कैसा लगता है आपको ये वीडियो, तो मैं और कोशिश करूंगी और बनाने की क्लीनिंग की। तो मैंने क्लीनिंग के काफ़ी वीडियो बनाए, तो लोगों को बहुत पसंद आए, आप लोगों को बहुत अच्छे लगे और कमेंट भी मुझे मिले, तो ये भी पसंद आएगा। तो उसके बाद अच्छे से मैं सारा सामान नीचे से निकाल लूँगी, जो कूड़ा कचरा वगैरह होता है सब निकाल लूँगी गैस के नीचे से, क्योंकि है ना मेरी गैस ज़मीन पे है, तो आपको पता है कचरा वगैरह तो निकलेगा ही, स्लिप वगैरह तो है ही नहीं। सिंपल, एकदम सिंपल किचन है मेरी, तो सारा काम मैं बैठ के ही करती हूँ, खाना वगैरह में मैं बैठ के ही बनाती हूँ। बस लग गई है मेरी झाड़ू, उसके बाद लगाएंगे पोछा। तो यहाँ की यही मैं बाहर नहीं निकाल सकती, क्योंकि जो थोड़ी बाउंड्री है किचन और बरामदे की, तो वो थोड़ी ऊंची है, तो बाहर मैं नहीं निकालती हूँ कचरा। तो यहीं पर इकट्ठा करके डस्टबिन में डाल के कचरे के डिब्बे में डाल देती हूँ। और अब लगाऊंगी पोछा। और कैसी भी किचन हो, घर हो, बस साफ़ रहना ज़रूरी है। और साफ़ रहेगा तो आपको पता ही है घर में बरकत रहती है, हर चीज़ हम लोग साफ़ रखते की कोशिश करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा सफाई रखेंगे उतना ही अच्छा रहेगा घर में। बताना फ्रेंड्स कैसा लगा ये ब्लॉग, अगर आप कहेंगे तो मैं और कोशिश करूँगी क्लीनिंग बनाने की वीडियो। आपको अच्छा लगा होगा, और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके मुझे बता देना कैसा लगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस तो वो किचन तो वैसे मेरा काफ़ी बड़ा है, बट क्या है
सही से बना नहीं है, तो इस वजह से मुझे थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर यही सही से अच्छे से बन जाए तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा किचन बने मेरा। देखो कब बनाता है भगवान, कब करता है मेरी इच्छा पूरी, कि कब कैसे हो सकता है। कोई बात नहीं, कभी ना कभी होगा, बस यही सोचती हूँ मैं। तो इतना ही था ये वीडियो, बस किचन की मेरी हो गई है क्लीनिंग, और फिर मैंने किचन की लाइट बंद कर दी है, और अब मैं करूँगी बाहर। तो कैसा लगा वीडियो तो बताना फ्रेंड्स। तो बाय बाय फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखना।